RC8 से, जो कि इनकी मोटो जीपी स्पोर्ट्स बाइक आती है, जिसके ऊपर ये पूरी थीम बेस्ड है KTM की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर एक्स, ट्रायंगल, एक्रोपोविक, ये सब के स्टिकर्स आप देख सकते हो। तो पूरी ये मोटो जीपी थीम है। अभी दूसरे कलर्स भी अवेलेबल है KTM RC390 में, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली ये जो कलर है, इसमें आपको थोड़े ग्राफिक्स अलग मिलेंगे, पेंट स्कीम थोड़ी अलग मिलेगी, अलॉय व्हील्स थोड़े ब्लैक मिलेंगे और ब्लैक स्मोक वाइजर मिलेगा, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा लुक और थोड़ा एनहेंस होकर आता है अपनी प्रीवियस RC390 की वजह से। तो सबसे पहले चेंजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कि ड्यूक शेप्ड हेडलाइट है वो मिल जाएगा, और इंडिकेटर्स आपको वाइजर में ही इंटीग्रेटेड मिलेगी, जिसकी वजह से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि पहले की RC390s में आपको इंडिकेटर्स मिरर पे आते थे, जिसके वजह से अगर कभी क्रैश हो गया या फिर स्क्रैच हो गया तो पूरा आपको इंडिकेटर और मिरर ही बदलना पड़ता था, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती थी। लेकिन अभी वैसा नहीं होएगा। मिरर्स भी देख लिए तो मिरर्स की भी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत इन्होंने अच्छी की है KTM ने। यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर्स की विजिबिलिटी की अगर बात करें तो ठीक है, उतनी बुरी भी नहीं है, पिछले वाली RC390 जनरेशन से थोड़ी सी अच्छी है, और इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से और थोड़ी सी एनहांस लुक आ जाती है। और अगर चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट में तो मैंने आपको वाइज़र का बता दिया, हेडलाइट्स का बता दिया, और अगर व्हील्स की बात करूँ तो व्हील्स आप देख सकते हो कि व्हील्स भी पूरे चेंज है। यहाँ से आपको बहुत सारा वेट श्रेडिंग मिल जाएगा, डिस्क से वेट श्रेडिंग मिल जाएगा, जिसकी वजह से या बाइक को थोड़ी और हल्की करने की कोशिश की है। कि अगर हम बात करें तो पावर आपको इसमें मिलती है 43.5 PS की पावर, टॉर्क 1 Nm से बढ़ गया, जिस जो है 37 Nm टॉर्क, वो क्योंकि जो इसका एयरबॉक्स है यहाँ पर वो 40% अपसाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या इंटेक अच्छा हो गया, इंटेक की वजह से क्या आपका आउटपुट थोड़ा सा और अच्छा हो गया अपनी RC390 का। और दूसरी बात करें तो एग्जॉस्ट पाइप जैसे कि आप देख सकते हो नीचे से ही जा रहा है, पहले मेरी वाली RC390 में यहाँ से नीचे से जाता था, लेकिन अभी ये थोड़ा साइड में कर दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लीयरेंस मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो आपको आगे WP के एपेक्स ओपन कार्ट्रिज सस्पेंशन मिल जाते हैं, और ब्रेक्स की बात करें तो आपको ब्रेक्स बाइब्रेक की तरफ से मिलते हैं, रेडिली माउंटेड बाइब्रेक हेल्पर्स, जिसकी वजह से जो ब्रेकिंग है आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। और डिस्क साइज़ देख सकते हो 320 mm डिस्क साइज, और रेडिली माउंटेड फैंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हीटिंग है पहली वाली RC में डायरेक्ट आपके पैर पर पड़ती थी, लेकिन अभी की जो RCs है इसमें क्या अभी थोड़ा सा और डिसोरिएंटेड, मतलब थोड़ा सा और फैला दिया, जिसकी वजह से डायरेक्ट हीट आपके पैर पे नहीं पड़ेगी। और टायर्स की बात करें तो हम आपको इसमें टायर्स मिलते हैं 100 वगैरह में, थोड़ी सी ये ऑड लगती है, लेकिन जब आप उसको रियल में देखोगे थोड़ी सी पहली वाली RC से थोड़ी सी बल्की कर दी गई है, थोड़ी सी और यूज कर दी गई है, तो थोड़ा सा रोड प्रेजेंस इसका अच्छा हो जाता है, 360 लुक भी दे देता हूँ आपको मैं। और एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं, आपकी एग्जॉस्ट भी इसका चेंज कर दिया है कंपनी। लाइट्स की विजिबिलिटी की बात करें तो आपको पहले वाली RC में आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलते थे, लेकिन इसमें अभी ड्यूक 390 की तरह क्लस्टर दिया हुआ है और LED हेडलाइट्स दिया हुआ है, जिसकी वजह से और थोड़ी विजिबिलिटी मेरे हिसाब से बढ़ जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो पिछली वाली RC की जो हेलोजन हेडलाइट्स थी वो थोड़ी सी और बेटर थी इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, लेकिन इसका जो लाइट्स का जो थ्रो है और जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छा है। और एक और एक चेंज की अगर मैं बात करूँ, इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा और अब थोड़ा सा राइडर के नज़दीक कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है गाड़ी। अभी मेन पर्पस RC390 का बनाने का ये था कि थोड़ी सी सीटी के लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल कर दी गई है, सीट्स भी दे सकते हो, सीट्स भी थोड़ी सी कंफर्टेबल कर दी गई है, मेरी वाली RC से तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ स्टेप अप सीट भी ठीक है, पिछली वाली RC से तो ठीक है, लेकिन अभी भी अनकंफर्टेबल है, तो पिलियन के लिए अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लेना। ग्रैब रिल्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, इंडिकेटर्स भी LED वाले पीछे आपको को जो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि आपको कॉर्नरिंग, ABS वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो कि है ये आपको इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट के लिए, जिसकी वजह से आप सीमलेसली बिना क्लच लिए गियर अपना डाउन भी और अप भी कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। स्लीपर क्लच तो आपको वैसे ही मिल रहा, एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं आपको इसमें। और अगर दूसरी चीज़ों की मैं बात करूँ तो वेट शेडिंग इस मोटरसाइकिल में काफ़ी की गई, जिसकी वजह से थोड़ी और हल्की और थोड़ी और एजाइल बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो इसका टैंक कैपेसिटी है उसकी वजह से अगर आप फुल टैंक में अगर गाड़ी चलाते हो तो वेट लगभग
अब पिछले वाली आरसी के बराबर ही हो जाता है, जो कि ठीक है और थोड़ा इसके टैंक रेंज भी बढ़ा देता है। और ये जो कलर स्कीम है ये काफ़ी रियल में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरी ऑरेंज थीम ब्लैक अलॉयज, जिसकी वजह से और थोड़ा स्टांस इसका अच्छा दिख रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप कमेंट में मेरे को बताना कि पिछले वाली आरसी या ये वाली आरसी, कौन सी वाली आरसी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। मेरे को ये भी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि ये भी बुरी है, लेकिन ये भी अच्छी है। हेलो, तो अगर हम बात करें कि ये आरसी 390 के बारे में, तो आरसी 390 के बारे में तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेंज हुआ है और पूरी मॉडल चेंज हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये वाली आरसी बेटर है पिछले वाली से? देखो ये वाली आरसी में भी बहुत सारा चीज बढ़ा दी है, जैसे कि सबसे पहले तो लुक चेंज कर दिया गया। पहले हम लोग को प्रोजेक्टर मिलता है, अभी एलईडी मिलता है, फिर इंडिकेटर पहले यहाँ पे इंटीग्रेट, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा कंपनी ने काम किया, क्योंकि कभी भी स्क्रैच होता था या फिल्टर करते थे ट्रैफिक में तो स्क्रैच हो, हाँ मेरा एक बार हुआ है, मेरे को 2000 रुपीज़ देना पड़ा ये चीज़ के लिए। इसमें आपको स्प्लिट चेसी पहले वाले आरसी में क्या होता था, सिंगल चेसी, हाँ ये भी एक चीज़ है, ये आपको ये बोल्ट ऑन सब में आपको आता है स्प्लिट चेसी। तो अभी स्प्लिट चेसी का फायदा क्या है कि अगर मान के चलो कि आपका पीछे से एक्सीडेंट हुआ, हाँ तो आपको पूरा चेसी डालने की जरूरत नहीं पीछे का डालना, पहले वाले आरसी में अगर जरा भी चेंज होता पूरा फ्रेम चेंज करना पड़ता है, आपको पूरा नहीं बेयर करना, आधा ही बेयर करना, हाँ ठीक है। Then, इस पे आपको एयरबॉक्स कैपेसिटी, हाँ 40% एयरबॉक्स कैपेसिटी बढ़ाया गया, जिसकी वजह से टॉर्क और थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा टॉर्क अच्छा हो गया। देन यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द बायोनिक व्हील, ठीक है, इस पे वेट रिड्यूस कर दिया, बहुत सारा वेट शेड किया गया, बहुत सारा वेट शेड किया गया, ये सब चीज फ्यूल टैंक कैपेसिटी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बढ़ा दिया, 9.5 अगर ई एम आई की बात कर लें, अगर कोई 3 इयर्स का करा रहा है, 2 इयर्स का करा रहा है, 4 इयर्स का, हमारा ई एम आई स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है, ये 95 और 5 साल का स्कीम है, जैसे देखोगे सो ये अवेलेबल है, ये आरसी 125 के लिए, आरसी 200 एंड आरसी 390 के लिए, तीनों के लिए अवेलेबल है, तीनों के लिए इयर्स के हिसाब से, हाँ हाँ, ये 5 इयर्स का है, ये 5 इयर्स का है। और ये डाउन पेमेंट स्कीम है, देखिए ये आरसी 125 का डाउन पेमेंट, आरसी 200 का डाउन पेमेंट और आरसी 390 का डाउन पेमेंट, दिस आर द मिनिमम डाउन पेमेंट। हमारे पास अलग स्कीम्स भी है, नो एचपी स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है, जैसे आप आओगे वैसे हम लोग बताएंगे। तो अगर हम कंफ्यूजन पे बात करें, तो जो 390 है अभी की 390, वो पहले वाली से तो नो डाउट बेटर कर दी गई है KTM से, तो आप रेकमेंड करोगे लेना? यस डेफिनेटली डेफिनेटली। तो यूज़र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मतलब यूज़र फ्रेंडली गाड़ी कर दी गई है, पहले के हिसाब से थोड़ी सी ब्रूटल थी, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा बहुत एग्रेसिव थी वो, हाँ। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो यूजिबिलिटी के हिसाब से KTM ने इसको बहुत ही सुपर बना दिया गया है, हाँ पिक्स में थोड़ी सी अलग लगेगी, रियलिटी में अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी यूज है, थोड़ा सा इसका स्टैंड और पहली वाली आरसी से थोड़ा बड़ा है, पहली वाली आरसी थोड़ा कॉम्पैक्ट थी, थोड़ी सी एजाइल थी, थोड़ी सी एग्रेसिव थी, लेकिन ये आरसी वैसी नहीं। तो अगर कंक्लूजन पे आए तो आप बेफिक्र ले सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे जो दूसरी गाड़ियाँ आ रही है, दूसरी कंपनी की बाइक्स आ रही है, उनमें ये सब आपको फीचर्स, ये सब कंपोनेंट्स, हार्डवेयर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो कंक्लूजन पे आते हैं, यही था कुछ अपना RC 390 के बारे में वीडियो, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ सेफ डे, हैव अ सेफ राइड, बाय बाय।